आज हमारे बीच नवाब मलेरकोटला जनाब शेर मोहम्मद खान साहब हाजिर हुए हैं, जिनके एक नहीं दो भाइयों का इनके पिता गोविंद ने बड़ी बेरहमी से कत्ल किया। तुम्हें पता है तुम्हारे पिता ने नवाब साहब के भाइयों का कत्ल क्यों किया था? कोई गलती की होगी। इनके भाइयों ने इतने छोटे बच्चे और इतनी बड़ी जुबान, इतना बड़ा वजीर और ऐसे नीच काम, भरे दरबार शरेआम। गुस्ताखी की सजा मौत है। सजा मंजूर है पर झुकना कबूल नहीं। तुम्हें मौत से डर नहीं लगता? आपको खुदा से डर नहीं लगता? जुबान संभाल के बोल, बेखौफ। बेखौफ जीते हैं, बेखौफ ही मरते हैं, क्योंकि हम गुरु के सिंह हैं। सिंह? हाँ, सही काम करने वाला बंदा सिंह होता है। किसी की आंसू पोंछकर उसे खुशी देने वाला बंदा सिंह है। कमजोर की ताकत बनने वाला बंदा सिंह है। इंसाफ के लिए जिंदगी दाव पर लगाने वाला बंदा सिंह है। ओए सिंगो, इनके भाई इंसाफ की लड़ाई लड़ते थे जब तुम्हारे पिता ने युद्ध में उनका कत्ल किया। युद्ध में ना? उसे कत्ल नहीं, कुर्बानी कहते हैं। आप उसे कत्ल कहकर इनके शहीद भाइयों की मौत का अपमान कर रहे हो। लफ्जों के जाल बिछाकर तुम अपने बागी पिता के गुनाहों पर पर्दा नहीं डाल सकते। उसके गुनाहों की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी और वो सजा खुद नवाब मलेरकोटला तय करेंगे जिनके तुम गुनहगार हो। फरमाइए नवाब साहब, आप कौन सी सजा देना चाहोगे अपने इन दुश्मनों को? मैं गोविंद से अपने भाइयों की मौत का बदला लेना चाहता हूं और वो मैं जरूर लूंगा, पर मैदाने जंग में ये मेरे गुनाहगार नहीं है। औरतों और बच्चों से बदला नहीं लिया जाता। मैं चाहता हूं इंसानियत के नाते गोविंद की मां और उसके बच्चों को रिहा कर दिया जाए। नवाब साहब ने सही फरमाया, इंसाफ होना ही चाहिए। नवाब साहब, आपने आज साबित कर दिया कि एक अच्छा इंसान ही सच्चा मुसलमान हो सकता है। मैं भी इंसाफ में यकीन रखता हूँ। नवाब साहब की मर्जी और आवाम की ख्वाहिश के मद्देनजर हम इनको आजाद भी कर देंगे, पर मैं इनसे ये तो पूछ लूं कि ये आजाद होकर क्या करेंगे? वही करेंगे जो हमारे गुरु पिता कर रहे हैं और जो सिंगों की आने वाली नस्लें करेंगी। क्या? आखिरी सांस तक जुल्म और बेइंसाफी के खिलाफ लड़ेंगे। वो कैसे? हम अपने गुरु पिता के सिंहों को फिर से इकट्ठा कर फौज तैयार करेंगे। सुना आपने? सुना आप सबने? इनके बागी इरादे? जो इनका बागी बाप हमारे साथ कर रहा है वही ये बागी बच्चे करना चाहते हैं। अब बताओ दरबार में बैठे काजियों और वजीरों, ये मुगलिया सल्तनत के इन बागियों के बारे में आपकी क्या राय है? खास साहेब, अब तो सबकी राय एक ही है, सांप के बच्चे सांप ही होते हैं। सुच्चानंद, जुबान को लगाम दो। मजलूमों के वो दोस्त हैं, नेकी उनकी पहचान है। शीश झुकाकर आदर कर, गुरु गोबिंद सिंह उनका नाम है। शुक्र कर हम आपके कैदी हैं, नहीं तो कसम गुरु पिता की अब तक तुम्हारा सर कंधे से गिर चुका होना था। बस! मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता। बागी गुरु के बागी बच्चों, हमारा धर्म कबूल करो या बेरहमी से मरने के लिए तैयार हो जाओ। पहला मरन कबूल, जीवन की छड आस, हो सबना की रहन का तो आओ हमारे पास। काजी साहब, फतवा। मेरा फतवा तैयार है खान साहब।